दोस्तों मैं आ रखा हूँ अभी अपने गांव के बगल में, जहाँ पे हमारे गांव वाले जो बच्चे हैं वो होलिका जलाएंगे रात को। यहाँ पे कर रहे हैं ये, काफी मेहनत कर रहे हैं ये, सूखा घास इकट्ठा कर रहे हैं जलाने के लिए। होली के मजे है भाई। फुल मजा होली के भाई। तो गाइस देखो चांद एकदम खूबसूरत आ चुका है बादलों के नीचे से, और जो ये सामने ताल जमुना गांव। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ करीब 4 बजे से शाम को। अभी मैं आ रखा हूँ यहाँ बुगला में, रोड में आ रखा हूँ अभी, और ये चेहरे पे रंग लगा हुआ है क्योंकि आज होलिका दहन भी है, आज होलिका जलाई जाएगी नाइट को, रात में। तो अभी तो मैं आ रखा हूँ यहाँ पे, ये सामने आ रहे हैं अभी जो बड़ेद के होली वाले हैं उन वो आ रखे हैं एकदम पिकअप में आ रहे हैं, एकदम जबरदस्त सीन हो रखा है। तो दिखाते हैं अभी थोड़ी देर बाद आपको, बने रहे ब्लॉग में, मिलते हैं फिर आगे। देखो आजकल यहाँ पहाड़ों में बुरांस भी फूल गए हैं, जो कि खूबसूरत फूल हो रखे हैं काफी चारों तरफ, बुरांस और पहिया। देखो ये भी है एक बुरांस का पेड़। ये आई है बड़ी इसकी टीम होली वाली है, ये तो आ सीधे गाड़ी में आ गई झंडा लेके। भाई तो खतरनाक जा रही हो। फुल मजा निकाल ले होली में भाई, जबरदस्त सीन है पंगा भाई है। देखो हम पे भी इन्होंने रंग डाल दिया है भाई, होली की मजा निकाल ले यार। फुल फुल कलर डाली भाई, होली के मजे है भाई। फुल मजा होली के भाई। हैप्पी होली भाई। तब जाना तुम तो और तुम तो अभी तो बड़ी टीम जा रही है होली वाली, जो सामने का शिवालय है मंदिर वहां पे। देखो ये कैसे बैठ रखे हैं, जो ये पेड़ ला रखा है पहिया का पेड़ है, ये इसे जलाते हैं पहाड़ों में। ओ भाई हम वो फुल लगे वो। तो आज है होलिका दहन, आज रात को होलिका जलाई जाएगी, तो मैं भी जाऊंगा वहीं पे जहाँ पे हमारे गांव के बच्चे हैं, यहाँ सामने पे गांव के बगल में वहाँ पे जलाएंगे, मैं भी जाऊंगा वहीं पे, तो दिखाएंगे आप लोगों को रात में। देखो यहाँ पे इनको कलर मिल गया है। हैप्पी होली भाई। हट के ना यार, कर आने भी नहीं।
देखो उस गाड़ी वाले ने इनको रंग दे दिया कलर, भाई ने, सब आपस में होली खेल रहे हैं होली। इसको जलाएंगे ये रात को। दोस्तों मैं आ रखा हूँ अभी अपने गांव के बगल में, जहाँ पे हमारे गांव वाले जो बच्चे हैं वो होलिका जलाएंगे रात को। यहाँ पे कर रहे हैं ये काफी मेहनत कर रहे हैं, ये सूखा घास इकट्ठा कर रहे हैं जलाने के लिए। वही क्या बोलते, फिर से बोल ये बोल नारा बोल ना झंडा कहो तुम। अच्छा अभी तो मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि जो झंडी है वो रात को जलाई जाएगी, जब ठीक यहाँ सामने आता है चंद्रमा आएगा जब तब जलाई जाएगी, चांद आएगा जब तब रात को। देखो अपना चैनल का नाम भी बोल रहे हैं जोर से। तो दोस्तों चांद आ चुका है फिलहाल, तो मैं तो नहीं गया उधर जहाँ ये झंडी फूक रहे थे। ये देखो सामने जो बादल है उनके बीच रहा था चांद, बादलों के ठीक बीच है चांद, जो दिख भी नहीं रहा एकदम कम सा। अभी यहाँ जो बड़ेत वाले हैं उन्होंने भी नहीं जलाई अपनी झंडी। हमारे गांव में बंदे जो हमारे गांव के जो छोटे लड़के हैं, बंदे नहीं जो छोटे बच्चे थे, वो आ गए होली वाले यहाँ पे हमारे घर के बगल में जो घर है यहाँ पे आ गए, यहाँ भाई के यहाँ पे, जो कि ये चंदा इकट्ठा करने के लिए आते हैं यहाँ पे गाँव में। पूरे गाँव में घूमेंगे ये रात को। आज होलिका दहन भी है, यहाँ सामने भी आज जो ये ताल जमुन है उसके ऊपर भी पहाड़ों में आग लग चुकी है। ये देखो सामने, ये अभी थोड़ा बहुत है, कल तक ये काफी ज्यादा हो जाएगी। ये हमारे घर में आ रहे हैं अब, यहाँ से अंश भी चिल्ला रहा है एकदम। ये देखो ये हमारे घर में आ रहे हैं एकदम होली वाले, जो कि पूरे गाँव में जाएंगे रात को चंदा इकट्ठा करने के लिए। अंश भट्यो वे डब्बू डब्बू ना काट तो अंश भाग डब्बू ले। लगो रे क्या लगो तो ले फिर दस बजे तो ले रे दस बजे तुम पार्टी था दस बजे सुबह के तुझे दी टीमो बोलते घर घर जाओ बोल भाग रहे अब घूमा जा। पिताजी मेरी दूसरी टीम जरा से तो भेजा दोस्तों जो होली वाले बच्चे थे वो आ चुके थे हमारे घर में अभी थोड़ी देर पहले, उनको दे दिए हैं रुपये, जो कि चंदा मांगने जाते हैं वो पूरे गांव में रात को। तो अभी तो हो चुकी है होली का दहन, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वाले ब्लॉग में होली के दिन। अब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड, बाय।